सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बुक सिम्पसन फैन और आज हम लोग करने जा रहे हैं देयर इज समथिंग अबाउट यू का एक शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू। सो लेट्स बिगिन। सो देयर इज समथिंग अबाउट यू को लिखा है यशोधरा लाल ने, जो उनकी सॉर्टिंग आउट सेट और जस्ट मैरिड प्लीज एक्सक्यूज के बाद तीसरी बुक है। ये बुक ओरिजिनली 2015 में लॉन्च की गई थी और ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और जहाँ तक मुझे पता है इसका और कोई ट्रांसलेशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि ये बुक कैसी है, इस बुक में क्या है, वेदर यू शुड रीड दिस बुक और नॉट, और आपको अपना टाइम और पैसा इस बुक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। देयर इज समथिंग अबाउट यू कहानी 28 साल की त्रिश की, जो मुंबई में अपने पैरालाइज फादर और इरिटेटिंग मॉम के साथ रहती है। वो एक 28 साल की अनएम्प्लॉयड, नॉट सो गुड लुकिंग और स्लाइटली ओवरवेट लड़की है, जिसे लगता है कि प्यार, रिलेशनशिप, शादी जैसी चीज़ों के लिए उसकी उम्र कब की निकल चुकी है। और अपने पेरेंट्स के बीच के कन्फ्लिक्ट्स देखते हुए उसे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में आने का मतलब है प्रॉब्लम्स, और इसी वजह से वो प्यार या शादी जैसी चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखती है। और तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है साहिल की, जो किसी भी टिपिकल बॉलीवुड हीरो की तरह हैप्पी गो लकी किस्म का बंदा है और वो मोर और लेस वेकअप सिट के रणबीर कपूर का रिटर्न वर्जन है, और साथ ही उसके पास पीके वाली पावर्स भी है। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता, इससे आपका रीडिंग एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाएगा, बट वो एक टिपिकल इंडियन बॉलीवुड मूवी के हीरो टाइप है। वैसे तो इस बुक की कहानी एक नॉर्मल टिपिकल रोमांटिक जॉनर की कहानी है, बट उसमें हल्का सा ट्विस्ट है। जी हाँ, होने को ये एक रोमांटिक नॉवल है बट विद अ स्लाइट ट्विस्ट। इसको एक या इसमें एक लड़का और लड़की मिलते हैं, ये टिपिकल बॉय मीट गर्ल टाइप स्टोरी है, बट उसमें कुछ प्लॉट्स, कुछ सब प्लॉट्स और कुछ एलिमेंट्स इस तरह के डाले गए हैं कि वो एक टिपिकल बॉय मीट गर्ल वाली स्टोरी ना रहकर उससे स्लाइटली डिफरेंट है, उससे उसका स्लाइटली बेटर वर्जन हम लोगों के सामने रखती है। बुक की स्टोरी में कहीं कहीं जगह थोड़ा सा सरकैज़म या कॉमिक एलिमेंट का भी यूज़ किया गया है, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं किया गया और ना ही उसे बहुत कम रखा गया है, वो जितना जहाँ ज़रूरी था उतना ही रखा गया है। हाँ, ये एक टिपिकल रोमांटिक नॉवल हो सकती थी, बट राइटर ने अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर उन कुछ कुछ इस तरह के एलिमेंट डाले हैं जो मैं यहाँ वीडियो में आपको बता तो नहीं सकता, वो आप जब पढ़ेंगे तब खुद फील करेंगे, जिससे कि एक टिपिकल रोमांटिक नॉवल ना रहकर उससे बेटर एक डिफरेंट जॉनर की एक नॉवल बन जाती है। बात करें इस बुक के कैरेक्टराइजेशन की, तो इस बुक में बेसिकली चार मेन कैरेक्टर है। पहली है त्रिश, दूसरा साहिल, तीसरी त्रिश की फ्रेंड और उसकी पड़ोसन आकांक्षा, और चौथी है त्रिश की मॉम। बात करें कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो चूंकि राइटर यशोधरा लाल खुद एक लेडी है, खुद एक लड़की है, तो वो त्रिश के सारे इमोशन, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे उसके जो डेली स्ट्रगल्स होते हैं, उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पेजेस पे उन्होंने उतारा है। और बुक की चार लीड कैरेक्टर्स में से तीन कैरेक्टर फीमेल है, तो उन तीनों ही कैरेक्टर्स को बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। उन तीनों ही कैरेक्टर्स, हालांकि तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, बट तीनों ही कैरेक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स थे, जो पर्सनल इशूज़ थे, जो उनके इमोशंस थे, जो उनके इनर कन्फ्लिक्ट थे, उन सभी कैरेक्टर्स को, उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बुक में लिखा गया और उन तीनों कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। और तीनों, वहीं अगर बात करूँ साहिल की, तो साहिल का कैरेक्टर इस बुक में या तो उतनी अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया है या यशोधरा लाल ने उसके कैरेक्टर पे उतना ध्यान ही नहीं दिया है। साहिल का कैरेक्टर एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो के जैसा कैरेक्टर है। साहिल एक अमीर बाप की इकलौती औलाद है जिसे बाप के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो गिटार बजाता है, उसका कॉलेज में बैंड था, फ्री टाइम में वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, त्रिश के फादर के साथ चेस खेलता है, त्रिश की मॉम को किचन में हेल्प कराता है, और वो इस तरह के सारे काम करता है जो आप किसी भी टिपिकल बॉलीवुड हीरो को करते हुए इमेजिन कर सकते हो। और प्लस पॉइंट, उसे इस बुक के अंदर पीके वाली स्पेशल पावर्स भी दी गई है। अब वो उन पावर्स के साथ क्या करता है क्या नहीं, इन सब के लिए तो आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी। बट हाँ, मुझे लगता है कि साहिल के कैरेक्टर्स के साथ उतना जस्टिस यशोधरा लाल नहीं कर पाई है जितना बाकी तीनों फीमेल कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने किया है। उसका कैरेक्टर ना तो किसी डेप्थ के साथ लिखा गया है, ना ही उसके कैरेक्टर को और प्रॉपरली एक्सप्लोर किया गया है। वो बस एक सतही तौर पर लिखा गया एक नॉर्मल कैरेक्टर है जिसे आप रियल लाइफ में शायद कहीं देखते नहीं हैं। मुझे तो आज तक ऐसा कोई अमीर बाप का बेटा मिला नहीं जो बाप का बिजनेस ना करके नौकरी करना चाहे। एनीवेज, बात करते हैं इस बुक की, तो अब बात करें यशोधरा लाल की राइटिंग स्टाइल की। तो यशोधरा लाल की राइटिंग स्टाइल बहुत ही फ्लूइड है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बस ये बोलने वाली बात है, ये एक्चुअल में नॉवल जो है, ये जो नॉवल लिखी गई है, बहुत ही फ्लूइड और
ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी गई है। हाँ, कुछ एक वर्ड्स जो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे होते हैं जो राइटर्स एक राइटिंग लिबर्टी या वो राइटर वाला फील लेने के लिए बुक में यूज़ करते हैं, जिसके ईजी सिनोनिम्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, बट फिर भी वो उसे बुक में यूज़ करते हैं, जिन्हें कई बार समझने के लिए हमें डिक्शनरी उठानी पड़ती है, बट उनका मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है। ऐसे कुछ एक वर्ड्स इस बुक में भी यूज़ किए गए हैं, बट ऐसा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं या आपकी रीडिंग पे एक ब्रेक लगाते हैं। वो गो विद द फ्लो के साथ स्टोरी में ब्लेंड हो जाते हैं, और साथ ही बुक के अंदर कुछ सब प्लॉट्स भी डाले गए हैं। वो सब प्लॉट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जो आपको कहीं से ज़बरदस्ती ठूसे हुए नहीं लगते। बात करें इस बुक के पेज क्वालिटी और फॉन्ट स्टाइल की, तो बुक की पेज क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और फॉन्ट साइज भी नॉर्मल है, और देयर इज समथिंग अबाउट यू, एक रोमांटिक जॉनर की बुक होते हुए भी उससे स्लाइटली बेटर या एक डिफरेंट जॉनर की बुक कही जा सकती है। ऐसा जॉनर मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया से ये बुक लिखी गई है या कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी बुक की है, ये एक रोमांटिक जॉनर को ही स्लाइटली और बेटर तरीके से रखती है। यशोधरा लाल का राइटिंग स्टाइल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, खासकर की फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली इस बुक की स्टोरी और बुक के कैरेक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे से किए गए हैं, और यशोधरा लाल का राइटिंग स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैंने उनके पहले दो नॉवेल्स आज तक नहीं पढ़े हैं, ये बुक मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे पढ़ी है, और सीरियसली मुझे ये बुक पढ़ के बहुत ही अच्छा फील हुआ। ये बुक डेफिनेटली आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आप कोई नए रीडर हैं जो एक हल्की फुल्की बुक ट्राई करना चाह रहे हैं, हल्की फुल्की बुक से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, रीडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस बुक को ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। या अगर एक आप रोमांटिक जॉनर के हार्डकोर फैन हैं और एक टिपिकल बॉय मीट गर्ल वाली रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए और कुछ डिफरेंट या कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो एक बार ये बुक आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह एक रेगुलर रीडर है जिसे जो मिल जाए जैसा मिल जाए वो पढ़ लेता है, तो भी ये बुक आप लोगों के लिए बिल्कुल एक ट्रीट की तरह है। तो फाइनली ये बुक एक मस्ट रीड बुक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस बुक में आपको इस ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस मत पालिएगा कि इस बुक में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने को मिलेगा, बट हाँ, एक आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने स्लाइटली डिफरेंट कुछ पढ़ा है, कुछ नया पढ़ा है, और वो पढ़ के वो फीलिंग आपको जब आएगी तो वो खुद आपको अच्छी लगेगी। तो मेरी तरफ से इस बुक को 7 out of 10 पॉइंट्स, और अगर आप ये बुक पढ़ने वाले हैं या इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारा अगला वीडियो आने तक हमारे साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते रहिए, फिल्म देखते रहिए, एंड हैव फन।